हेलो गुड इवनिंग आप सभी को, आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए आप सभी लोग, मोस्ट वेलकम आप सभी का। आप लोगों का, कई सारे बच्चों का स्टेनो का भी पेपर था, है ना? तो बहुत सारे बच्चे स्टेनो का भी पेपर देकर आए होंगे। मोस्ट वेलकम, शुरू करते हैं अपना। ये पास्ट में डूबा आदमी नेक्स्ट लेवल आदमी है। चलिए, गुड इवनिंग सर जी एंड मैडम जी। जो बच्चे काफी टाइम से क्लास कर रहे होंगे उनका सही ही गया होगा, ठीक है? और देखो, जो बच्चे थोड़े से लास्ट टाइम पे आ पाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारा उनका कंटेंट छूट जाता है। और एसएससी हमेशा ऐसी चीजों को करती है कि अगर आपको पढ़ रखा है फिर उसमें से वो कितना ही भी घुमा ले आप कराओगे, है ना? लेकिन अगर आप हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में चाहते हो तो वो तो कभी नहीं मिलता भाई। कभी तुक्का लग जाता है एक दो का, बट हूबहू कभी नहीं मिल पाता है ना? ये आप लोगों को पता है। घुमा फिरा के थोड़ा सा तो भाई वो पूछेगा ही पूछेगा। जो उसने प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं उनको थोड़ा सा और घुमा देगा बस, है ना? तो चलिए, गुड इवनिंग। और हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को पता है एग्जाम टाइम आपका आ रहा है एसएससी का, तो उसी से रिलेटेड अपना सीजीएल और स्टेनो वाले बच्चों का तो हो लिया, बस उनका कल और है, और सीपीओ का भी हो लिया। इन दोनों का हो लिया, स्टेनो सीपीओ। अब सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, है ना, इन लोगों के लिए अपना है। तो मोस्ट वेलकम। अब मैं तुम्हारे पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाई देता हूं जो आपके आए हैं, ठीक है? अब देखो, मैं इंग्लिश में है बट मैं तुम्हें हिंदी में करके बता दूंगा जो स्टेनो में आए हैं, कुछ लोगों को पता चल जाए, ठीक है? जैसे कि आपसे 86वां संविधान संशोधन पूछ लिया था, पता है ना 86वें संविधान संशोधन के बारे में? ये 2002 से रिलेटेड है, 86वां संविधान संशोधन, है ना? आप लोगों को पता है अच्छे से। और आपसे पूछा था हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1991 के टाइम पे, है ना? ये याद रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पर कौन, मनमोहन सिंह हो जाते हैं 1991। अगर आपसे पूछने लगे 1991 से 96 तक कौन थे हमारे पीएम, तो बता सकते हो? जरा जरा बताओ मुझे कि कौन थे पीएम, है ना? नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। और कहता है क्रिकेटर कौन से रिटायर हुए थे, है ना, 2021 में, ये आपसे पूछ सकता है। आप लोगों को पता है हरभजन सिंह रिटायर हुए थे 2021 में, है ना, है ना? ये चीज आप ध्यान रखोगे, नवंबर के टाइम पर रिटायर हुए थे, तो ये आप बना सकते हो इसको, राइट? और एक यहाँ पे हॉर्निबल महोत्सव के बारे में है, ये कहाँ पर होता है, नागालैंड के अंदर होता है ना? ये भी चीज ध्यान, सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। हॉर्निबल नागालैंड के अंदर होता है, पता है, ठीक है? ऐसी कार्निवल कहाँ होता है, गोवा के अंदर होता है। हमने शायद ये कल रात भी ऐसा ही कुछ देखा था, हमने हॉर्निबल और कार्निवल हमने कल रात देखे थे आई थिंक, ठीक है? ये गोवा के अंदर होता है, राइट? तो ये हो गया। उससे बात पूछा है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के बारे में, पूछा है कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और बच्चे कह रहे थे कि जनगणना से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तो ये तो लगा सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है, है ना? इसके बारे में बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या है। एक और है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, है ना? ये कौन था भाई शुंग का, अगर आपसे पूछने लगे कौन था शुंग का, है ना, आप जानते हो, बताओ जरा शुंग का कौन था? पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग, ये चीज ध्यान रखना, पता है ना पुष्यमित्र शुंग, है ना, शुंग डायनेस्टी का, ये चीज आप ध्यान रखा करो। ऐसे ही पूछ लिया था कि मौर्यों से पहले कौन सा, एक और क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि मौर्य से पहले कौन सा वंश था, तो नंद वंश था, है ना, नंद वंश के ही आखिरी, ध्यान रखोगे, शासक धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी, ये भी हमने कर रखा था आई थिंक, है ना? आपसे पूछा है पुष्यमित्र, अच्छा ये हो गया। कहता है ऑथर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पी, ठीक है, अरुंधति रॉय, ये चीज ध्यान रखोगे, ये किसकी है बुक, अरुंधति रॉय की है, ये चीज ध्यान रखोगे, अटमोस्ट ध्यान रखोगे हैप्पीनेस, इसके बारे में बात कर रहा था, तो ये अरुंधति की वजह से ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। अब ग्लूकोज से रिलेटेड था तो अगर उसका फॉर्मूला पूछेगा तो ये है, है ना, अगर उसके बारे में सारी कहानी सुनेगा तो ये है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब ये क्या कह रहा है, मिनिमम एज लिमिट, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपकी मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए,
है ना भाई, 21 होनी चाहिए, ये आपको पता है ना, 21 साल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हो या फिर विधानसभा का लड़ने जा रहे हो। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो रहे हैं, ठीक है, बोले पता नहीं मेरे को क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है, बोले नहीं जा रहा उससे, आए तुतला तुतला के बोलना पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा 25 ध्यान रखोगे, और ये राज्यसभा ध्यान रखना, राज्यसभा कितना 30, ये चीज आप ध्यान रखोगे। प्रेसिडेंट 35 है ना, राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35 है ना, राज्यपाल के लिए ये चीज ध्यान रखना, ये कितना, ये भी 35, ऐसे आप ध्यान रख लिया करो इनके बारे में। प्रधानमंत्री जब लोकसभा विधानसभा यहां से ध्यान रखोगे 25 से हो सकता है, तो पीएम कितने पे बन सकता है, 25 पे बन सकता है। जब विधानसभा का चुनाव 25 पे हो सकता है तो सीएम भी 25 पे बन सकता है, राइट, क्लियर है ना, ऐसे आप ध्यान रख लिया करो। नेक्स्ट देखो एक और क्या कहता है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, UNCTAD का क्या है, इसमें से देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखोगे UNCTAD बोल देते हैं इसको, है ना। अब ये कौन है ध्यान रखोगे, ये रेबिका, इनका नाम आप ध्यान रखना आंसर। नेशनल कुकी डे पूछ लिया है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, कुकी डे कब, 4 दिसंबर को मनाते हैं, उसी दिन नेवी दिवस भी मनाते हैं। और हॉकी इंक्लूड कब किया गया था ओलंपिक गेम में, ये आपसे पूछा हुआ है ओलंपिक गेम के अंदर, ये 1908 में किया गया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, लंदन के अंदर। आपसे पूछा है हमारे यहाँ सबसे बड़ा लार्जेस्ट BioCNG पार्क, ये इंदौर मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना कि मतलब सारे नहीं है, ये मुश्किल से 18-19 के आसपास होंगे, और ये थर्ड शिफ्ट के भी नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड के है बस कुछ, ठीक है, कुछ याद रखोगे, ये फर्स्ट सेकंड के कुछ हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा तुम्हारा लेवल आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जिसमें से डांस फॉर्म के बारे में कुछ ज्यादा था आज पूरे दिन, ध्यान रखना, और हिस्ट्री से वन लाइनर थे, कौन संस्थापक है कौन नहीं है, सीधा ऐसे करके आया, ओके। अब शुरू करें, चलो अब अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, ये एक अंदाजा हो गया अगली बार तक के लिए तुम्हारे, जब भी स्टेनो का पेपर आएगा, तो SST आजकल के टाइम पे ये पूछ रही है, तो ध्यान रखना। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ईसाई से, जैन धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, देखो तीर्थकर का मतलब होता है यानी कि जिस इंसान ने, ठीक है, जिस इंसान ने संसार, ये चीज आप ध्यान रखोगे, संसार, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये चीज ध्यान रखोगे, इन पर जीत पाली हो, ठीक है, इनको जीत लिया हो, ये चीज ध्यान रखोगे, जीत लिया हो, उसको क्या बोला जाता है, जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता है, तो वह जैन धर्म से संबंधित है, सी इज द राइट आंसर, ओके। तीर्थकर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिस इंसान ने संसार, मृत्यु, पुनर्जन्म, इन सब से जीत पाली हो, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब जैन धर्म की बात करते हैं, ठीक है, जैन धर्म इनकी बात करें तो 24 तीर्थकर थे, 24 में कौन थे, महावीर स्वामी थे, ये चीज आप ध्यान रखना, महावीर स्वामी थे, क्लियर हो जाएगा, इतनी चीज समझ गए आप लोग, है ना भाई। पहले कौन थे, ऋषभ देव थे, ये चीज आप ध्यान रखना, पहले ऋषभ देव हो जाते हैं, फिर अजीतनाथ हो जाते हैं, अजीतनाथ, फिर संभव नाथ हो जाते हैं, फिर अभिनंदन नाथ हो जाते हैं, अभिनंदन नाथ हो जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखा करो, अभिनंदन नाथ हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें, ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभव नाथ, अभिनंदन नाथ, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे हैं भैया, पहले दूसरे तीसरे और चौथे हैं। नेमिनाथ 21 में है, ध्यान रखना, नेमिनाथ 21, उसके बाद नेमिनाथ के बाद अरिस्टोमनी 22, ठीक है, ऐसे कुछ याद रखा करो। 23 में पार्श्वनाथ थे, ओके, पार्श्वनाथ, ये चीज आप ध्यान रखना, पार्श्वनाथ हो जाते हैं 23 में, ओके, और 24 में महावीर स्वामी है ही है, ओके, क्लियर है यहां तक। जैन धर्म से ही चंद्रगुप्त, वो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से था, और कलिंग का राजा खारवेल भी जैन धर्म से था, कलिंग का राजा खारवेल,
उड़ीसा का राजा था ये खारवेल, ये भी जैन धर्म से था। समझ गए, क्लियर है यहां तक जैन धर्म। नेक्स्ट कहता है अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार, तबला, वीणा या फिर मोहन वीणा। देखो इनके पिता का नाम है रविशंकर, ये चीज ध्यान रखना, रविशंकर इनके पिता का नाम है और ये है सितार से संबंधित अनुष्का शंकर। ठीक है, अनुष्का शंकर की जो सौतेली बहन है, ध्यान रखना सौतेली बहन, वो भी सिंगर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कौन है, सिंगर है वो, और 9 ग्रैमी अवार्ड वो जीत चुकी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कितने 9 ग्रैमी अवार्ड वो जीत चुकी है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। ठीक है, सौतेली बहन, उनका नाम क्या है ना, सौतेली बहन नोरा जोन्स, नोरा जोन्स, पेपर में ये नोरा जोन्स एसएससी सीएचएसएल पूछ चुका है, ये ध्यान रखना कि नोरा जोन्स का संबंध किससे है, तो सिंगर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कौन, नोरा जोन्स, ये आपस में तीनों बेटी और पापा है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से किसने रंगभूमि द एरियाना ऑफ लाइफ उपन्यास लिखा, अवनींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कौन देगा इसमें से एक राइट आंसर, क्या है, क्या बोला, रंगभूमि द एरियाना ऑफ लाइफ 1925 में पब्लिश हुआ था ये, ये ध्यान रखोगे कब प्रकाशित हुआ था, ये तभी प्रकाशित होता है 1925 में। अब जरा बताओ कौन बच्चा बताएगा, ठीक है बताइए। आहा, संस्कार एग्जाम्पल की तबियत ठीक नहीं है, एक बच्चा कह रहा है तबियत ठीक नहीं है सर, सर सर सोने जा रहे हैं। आहा, कभी मैं तुमने आज तक 3 साल में कभी तबियत के बिहाफ पे क्लास बंद देखी है मेरी, तुमने कभी भी, कभी भी, कभी भी नहीं हुई कभी 3 साल के अंदर तबीयत के बिहाफ के, मेरे को आज जुकाम है, गला दर्द है, परेशानी है, होने दो, ये सब तो नेचुरल है, सबको होता है, तो फिर हम अपना काम क्यों रोके, और तुम तो घर से क्लास देख रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम कुछ करते नहीं हो, सामने फोन रखा होगा, पढ़ रहे होगे अपने, नोट्स बना रहे होगे साथ साथ, बट ये एक लोकल बहाने हैं, एंड ऑफ द एंड तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे साथ इस 1 साल में क्या हुआ या 2 साल में क्या हुआ, बस ये पूछेगा बर्बाद हुआ और वो तुमने कर दिया अपने आप, एंड ऑफ द एंड तुमसे ये ही पूछेगा हर कोई, ये ध्यान रखना। तुम इस प्रक्रिया से लौट के भी वापस चले जाओगे ना तो भी तुमसे यही चीज पूछेगा कि जी क्यों नहीं लगी जॉब, तो आप बोलोगे कि वो फॉर्म नहीं थे या उस टाइम पे लॉकडाउन था या उस टाइम पे हम पढ़ा पता नहीं था कैसे होती है क्या, ये पूछेगा दिमाग कमजोर था इसलिए नहीं लगा, और वो चीज यहाँ चुभेगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी तुमको इस चीज से। ठीक है, समझ गए आप लोग, और जब ये परेशानी होगी तो तुम्हारी सीधी सी बात है कबाड़ा बनेगा दिमाग का। चलिए बहुत अच्छा, कई सारे बच्चों का ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया यहां तक। ओके चलिए, जी सर जी उतर गया होगा बुखार या रह रहा है अभी, चलो इसमें से रंगभूमि द एरियन ऑफ लाइफ क्या 1925 में पब्लिश हुई थी, ये चीज ध्यान रखोगे कौन है, मुंशी प्रेमचंद इज द राइट आंसर। देखो ये जो एरियन ऑफ लाइफ था, रंगभूमि, ये क्या था, ये एक तरीके का किसान की हालत को बताता था, किसान की हालत को बताता था, ध्यान रखोगे किसान की हालत को बताता था, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब किसान कितना दुखी है, शोषित है, पीड़ित है अंग्रेजों के राज में 1925 के टाइम पर, ये उसके लिए था, समझ गए। तो ऐसा मुंशी प्रेमचंद का और भी है, जैसे कि कर्म भूमि को याद रखा करो, जैसे कि गोदान को याद रखा करो, जैसे कि पूस की रात को याद रखा करो, पूस की रात, नमक का दरोगा, है ना भाई, ईदगाह, ये चीज ध्यान रखोगे, नमक का दरोगा, है ना, ईदगाह, ये चीज आप ध्यान रखना, ईदगाह एक बार देख भी लोगे तो पेपर में याद आ जाता है, कर्म भूमि, गोदान, पूस की रात, नमक का दरोगा, ईदगाह, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि याद रखा करो, ठीक है, क्या, गीतांजलि, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है, अगर आपके पेपर में आए और आपसे पूछे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वो किसका है, उसकी मतलब स्थापना किसने करी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने करी थी, याद रखोगे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी, नोट्स में लिख लिया करो। नेक्स्ट बोलता है निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, लोकटक झील, मणिपुर, सांबर या फिर लोनार या फिर हुसैन सागर, जरा बताओ इनमें से कोई एक नहीं है।
हमने कई सारे राज्य की कई सारी झीलें देख रखी हैं, बट हमसे जो है लोग तक क्या मणिपुर में है? जी बिल्कुल है, ये हमें पता है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है, ये मीठे पानी की झील है ना भाई, मीठे पानी की ये झील है, हमें पता है। सांबर झील राजस्थान में, यस बिल्कुल है ना। अगर हम देखें अजमेर, अजमेर प्लस जयपुर के बीच में आपको ये मिल जाएगी, है ना, ये आपको पता है। 8% से ज्यादा नमक हमारे भारत का यही निकलता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, निकलता है। और ये आज से नहीं निकल रहा भाई, मुगलों के टाइम पर भी यही से निकलता था, ये बात ध्यान रखोगे, बहुत पुराने टाइम से नमक यहाँ बनता था। लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल है, बट हुसैन कर्नाटक के नहीं है, हुसैन तो तेलंगाना में है, हुसैन तेलंगाना में है, ध्यान रखोगे। हुसैन हिमायत, ये दोनों ही ध्यान रखोगे, हिमायत सागर भी वही है तेलंगाना में, ठीक है, और हुसैन सागर भी तेलंगाना में है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलो जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोलेगा, बोलता है नेपाल का अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है, 1977, 947, 974 या फिर 964, नेपाल का कॉलिंग कोड आपको क्या लगता है? भाई हमारा क्या है, +91 राइट। अब नेपाल का जरा बताओ, नेपाल का कॉलिंग कोड क्या है, ये तो हमारा है +91 है ना, आप इसके बाद अपना नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जरा बताओ 977 है, 947 है, या फिर भाई 947 तो मिशिगन का है ना भाई, ये तो मिशिगन का है, बाकी आपके बचे जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। 964 प्रशांत, नहीं कतर का है वो तो, ठीक है, नहीं नहीं कतर का नहीं है, जरा पहले बताओ क्या लगाओगे एक राइट आंसर। कह रहा है 17, 7, 140, ये किसका दे रहे हो भैया, ठीक है गलत नहीं करना, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे। गलत है अभी भी कई सारे लोगों का, ओके कई सारे लोगों का गलत है, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, अभी भी गलत, 964 वाले गलत ही हैं, 977 ये पहला, ठीक है यही है पहला, यही नेपाल का कॉलिंग कोड है, ठीक है ये 977, ओके क्लियर है। और 974 किसका है, ये है कतर का, हाँ ठीक है, जो बच्चा ये नीचे वाला बोल रहा था ना कतर, वो नहीं है, ये तो इराक का है, इराक 964 इराक का है, 974 कतर का है, 947 मिशिगन का है, 977 पहले नेपाल का है, तो अपने पड़ोसी देश का याद रखेंगे हम, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ, पेपर में पूछ लेता है क्या जी, नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था, है ना, तो उसका संविधान होता है 20 सितंबर 2015 को लागू, ये ध्यान रखोगे लागू। नेपाल का झंडा ध्यान रखोगे कैसा है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा है ना, ये ध्यान रखोगे, ऐसा ऐसा नहीं है नेपाल का झंडा, ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है नेपाल का झंडा, एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जिसका झंडा ऐसा है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, नेपाल है नेपाल, ओके ठीक है। अच्छा नेपाल याद रखोगे, अगर आपसे पूछे राम बरन यादव यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, और अब कौन है, विद्या देवी भंडारी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गया, विद्या देवी भंडारी, राम बरन यादव, ये चीज आप ध्यान रखोगे पहले, ठीक है भैया पहले, और ये अभी है ना। अच्छा अगर आपसे पूछे शेर बहादुर, पता है शेर बहादुर कौन थे, है ना, शेर बहादुर कौन थे, यहां पर मुझे आप बता सकते हो, शेर बहादुर यहाँ पर सबसे लंबे समय के लिए कौन थे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, जिनको सूर्य बहादुर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ध्यान रखोगे, सूर्य 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं सूर्य बहादुर, जिसको शेर बहादुर बोला जाता है, याद रखना 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं, गाय वहां का पशु है, राष्ट्रीय पशु गाय, और वॉलीबॉल उनका गेम है, ये पेपर में पूछा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय गेम क्या है, वॉलीबॉल। धुआं और कोहरे से बना हुआ है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना। अगर आपसे पूछे नेपाल के सबसे लंबे समय तक कौन थे, झंडे के बारे में तो पूछता ही है, बादल धुआं धुंध पीला कोहरा क्या है, धुआं और कोहरे से बना होता है, ठीक है क्या बना हुआ होता है, देखो भाई वो क्या बना हुआ होता है, धुंध, ये चीज ध्यान रखोगे धुंध, तो ये जो आपका धुंध है वो किससे मिलकर बना है, धुआं प्लस कोहरे, तो दिल्ली में आप देखते हो ना, ठीक है दिल्ली में आप देखते हो ना ये कंडीशन, कि वहां पे धुआं जो होता है, जैसे हरियाणा पंजाब पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से वहां धुआं पहुंच जाता है, ऊपर से कोहरा मिक्स हो जाता है वहां पे थोड़ा सा, तो धुंध बन जाती है बहुत बुरी, है ना ये आप जानते हो, बहुत बुरी धुंध बन जाती है,
कहले यार बी इज राइट, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना एसएससी के लिए, कई बार पूछ चुका है। बोलता है हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा भाई? ठीक है जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे भाई, रूस, कनाडा और हम कहां हैं, है ना, और लास्ट में कौन है, 63 देशों पे लिस्ट आई है, जरा बताइए कौन सी है ये, ध्यान रखोगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI, ये चीज ध्यान रखोगे CCPI, ये 2023 के लिए है, ये चीज ध्यान रखना किसके लिए, 2023 के लिए ये रिपोर्ट आई है। इसमें हम कितने वे नंबर पर है, 5, 10, 8 या फिर 15, कितने वे नंबर पर? ओ भाई गौतम बहुत बढ़िया, विभा विश्वकर्मा वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, एक नंबर आंसर है जिस बच्चे ने दिया यहां तक, वेरी वेरी गुड, सब बच्चों का ठीक है, एक नंबर आंसर है सब बच्चों ने यहां तक किया, 8 इज द राइट आंसर। अच्छा लास्ट में बता सकते हो कौन है, ईरान सबसे ज्यादा प्रदूषण करने के मामले में है ईरान आगे, समझ रहे हो? ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है ये चीज ध्यान रखोगे, मतलब उन्होंने कितने परसेंट उन्होंने योगदान दिया है कि क्लाइमेट चेंज हो, समझ गए, कितने परसेंट उनका योगदान है, तो हम कितने वे नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, और 52 पर कौन है, अमेरिका है, इनकी भी लो रैंक है बिल्कुल, ठीक है, और 58 पर कौन है, कनाडा वहीं का ऊपर का देश है, 59 पर कौन है, रूस है ना, और इनके अलावा 63 पर लास्ट में कौन है, ईरान है, ईरान। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, दबा के ये चीज आप ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछे हम भुखमरी पे कितने वे नंबर पर है भाई, भुखमरी सूचकांक है ना, हंगर इंडेक्स 107वें नंबर पर है हम, हमारी मीडिया कितने वे नंबर पर है, प्रेस स्वतंत्रता 150वें नंबर पर है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है इतनी चीज, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा बताओ हमारी जो मीडिया है वो 150 पर है या 180 पर है, जरा बताना कौन सा होगा राइट इसमें से, है ना। नेक्स्ट बोलता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का दूसरी बार अध्यक्ष बन गया है कोई, जरा बताओ, मतलब पहले तो थे ही वो, अभी सेकेंड टर्म के लिए 2 साल के लिए फिर बन गए हैं, जरा बताइए इसमें से कौन लगाएगा एक राइट आंसर। 150 पक्का, बहुत अच्छा जी सर जी, ठीक है 107 इज राइट, बहुत बढ़िया 107 पर है, बट ताली भर भर के खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है पर्यावरण में 180 पर, शाबाश वेरी गुड, एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हारा। चलो ये दो आंसर से सम्राट, बहुत अच्छा आंसर है, ए इज राइट आंसर, यस 180 पे है हम पर्यावरण के मामले, ठीक है चलिए बहुत बहुत अच्छा। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं दोबारा से ध्यान रखोगे, ग्रेग बर्कले, कहां से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, और आईसीसी के अध्यक्ष कब बने, 13 नवंबर 2022 को ये दूसरे टर्म के लिए बन गए, ठीक है अब ये 2 साल तक उधर ही बैठेंगे, ये चीज ध्यान रखना, 2 साल तक, इससे पहले कब बने, 2020 में बने थे, 2020 से 2022 और अब 2022 से इनका सेकेंड टर्म चल, न्यूजीलैंड से आते हैं ग्रेग बर्कले। आईसीसी की बात करें, आईसीसी है ना, आईसीसी को अगर आपसे पूछने लगे इसको अगर आपसे पूछने लगे आईसीसी जो नाम पड़ा था वो कब पड़ा था, 1989 में, ध्यान रखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, ये याद रखोगे ये 1989 में नाम पड़ा था, बट आईसीसी की स्थापना कब हो गई थी, 1909 में हो गई थी स्थापना, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, स्थापना कहाँ है, दुबई के अंदर हेडक्वार्टर है, ये चीज आप ध्यान रख, देखो आज यहां से एक क्वेश्चन आया ना कि एशिया कप कौन जीता स्टेनो में, कि एशिया कप कौन जीता था, तो श्रीलंका नहीं जीती है, तो वो यहां से आया था आज एक क्वेश्चन, ठीक है श्रीलंका जीती थी, पाकिस्तान को हराया था, ये आपको पता है, और पूछा कहां था, है ना वो, मतलब कहां पर हुआ था, तो UAE में हुआ था, है ना ये चीज ध्यान रखोगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था वो, यहाँ नहीं हुआ कहीं भी, ध्यान रखोगे वहां हुआ जहां का मैच से लेना देना नहीं है कुछ भी, वहां जाके हुआ इनका फाइनल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जरोका दर्शन की शुरुआत करी, बाबर, अकबर, कौन लगते हैं इसमें से जरा बताइए, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर, कौन बच्चा लगाएगा एक राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही, अब जब तुम्हारे पेपर आएंगे ना, जैसे CGL वाला बच्चे का पेपर आएगा, CGL का, उसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप से पूछ सकता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ये T20 है इसके बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन रहा, कैसे कैसे रहा, है ना। चलिए चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे, गलत नहीं करोगे, एक राइट आंसर दीजिए,
एक बच्चा कह रहा है पहला नाम क्या था आईसीसी का, पहला नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखना ठीक है। चलो जरोगा दर्शन की शुरुआत, क्या लगता है आपको अकबर? यस इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है जो अकबर बोला यहाँ पे। देखो जरोगा दर्शन क्या होता था, यानी कि जो मुगलिया खानदान की जो वाइफ है मतलब औरतें हैं वो अपने फैंस को आगे जाके हाथ बात हिलाएंगी, बात बात करेंगी, तो वो कहां से ऊपर जो खिड़की रहेगी, जो साम्राज्य की वही वह इमारत है उसकी जो खिड़की होगी वहां से अपने फैंस को हाय बोलने आती थी वो लोग, ठीक है ध्यान रखोगे। तो कौन है, अकबर ने चालू करा था ये झरोका दर्शन, बट ये बंद किसने कर दिया, औरंगजेब ने बंद कर दिया था, ध्यान रखोगे औरंगजेब ने बंद कर दिया था इसको, ये चीज ध्यान रखना। बोला कि भाई ये तो शरिया कानूनों के खिलाफ है ना, क्या कहता है कि शरिया कानून के खिलाफ है, हम इसको बंद करते हैं, सीधा सीधा उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। औरंगजेब संगीत प्रेमी भी नहीं था, ये ध्यान रखोगे संगीत प्रेमी भी नहीं था, ठीक है ये चीज आप ध्यान। एक बार क्या हुआ पता है, लाल किले में बैठता था औरंगजेब, दिल्ली का लाल किला, तो ये संगीत से बहुत ज्यादा परेशान होता था, अगर कोई बजाता बजाता इसके यहां से निकल जाता था तो इसको बहुत गुस्सा आता था। तो एक बार क्या हुआ, हालांकि देखो वीणा में इंटरेस्ट लेता था फिर भी, लेकिन गुस्सा आता था पता नहीं क्यों लड़के को। एक बार क्या हुआ कि लाल किले के आगे कर कुछ लोग गाते बजाते गरीब लोग बेचारे निकल रहे थे, तो उनसे उनके लिए बोलता है इसको गुस्सा आ गया, बोला इनकी वीणा और जो इनका हथियार इन्होंने ले रखा है वो और इनको जमीन में इतना गहरा गाड़ दो कि कोई आवाज ही ना सुनाई दे सके कभी, समझ गए, उनको वहीं गाड़ दिया गया, ऐसा आदमी था औरंगजेब, समझ गए, क्लियर है इतनी चीज, समझ गए आप लोग यहां तक। तो अकबर ने ये स्टार्ट कराया, औरंगजेब ने बंद कराया शरिया कानूनों के खिलाफ, ये इसने बोला। और एक चीज, अकबर ने जजिया बंद करवाया था, ये चीज ध्यान रखोगे, जजिया बंद कराया था ठीक है अकबर ने, किसने चालू करा दिया था, औरंगजेब ने, ये चीज आप ध्यान रखोगे औरंगजेब ने चालू करवा दिया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे अकबर ने जजिया बंद करवाया, औरंगजेब ने चालू करवाया, ध्यान रख, तीर्थ यात्रा कर भी इसने चालू करवा दिया था, तीर्थ यात्रा कर ठीक है ध्यान रखोगे चालू करवा दिया था इसने, ये भी चीज आप ध्यान रखना औरंगजेब ने। तो औरंगजेब से रिलेटेड चीजें ऐसे हैं। अगर आपसे पूछे मुगलों से कुछ चीज एक्स्ट्रा याद रख लो, मुगलों के टाइम पे तांबा कहां से आता था, ध्यान रखना खेजड़ी, ध्यान रखोगे जिसको खेतड़ी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, ओके वहां से आता था तांबा। मकराना, ध्यान रखोगे मकराना कहां पड़ता है, राजस्थान में, वहां से आता था संगमरमर, समझ गए आप लोग, संगमरमर आता था वहां से, ठीक है मकराना राजस्थान में पड़ता है। आप बोलोगे सर सोना कहां से आता था, सोना आता था कुमाऊं और पंजाब वाले एरिया से, कुमाऊं प्लस पंजाब के एरिया से आता था, ये चीज आप ध्यान रख लेना ठीक है क्लियर। अगर अच्छा तांबे के बर्तन मिलते कहां थे, तांबे के बर्तन मिलते थे दिल्ली से, ये चीज भी आप ध्यान रखना, दिल्ली से तांबे के बर्तन मिलते थे, है ना ये भी चीज आप ध्यान रखोगे क्लियर। अगर आपसे पूछे अफीम की खेती कहां होती थी, मालवा की तरफ होती थी, मध्य प्रदेश है ना, मालवा की तरफ, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मालवा एमपी या फिर ये बंगाल में उगाते थे ठीक है, बंगाल में, वैसे बंगाल का गन्ना बहुत ज्यादा फेमस था मुगलों के टाइम पे क्लियर। चलिए बोलता है हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है जरा बताओ, ये भी आज स्टेनो में एक बच्चे ने बताया है कि ग्रैंड मास्टर पूछा गया है, हालांकि आपने 73 मैंने आपको एक दिन बताए थे 73 74 75 और 76 के बारे में, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, क्या है एक राइट आंसर, जी मुकेश या फिर चावला या फिर अग्रवाल या फिर विप्रणव, जरा बताना पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे मालवा एमपी। एक बच्चे कह रहा है बयाना से नील आती थी कुनाल, यस बहुत अच्छा ठीक है वेरी, बयाना से नील की खेती होती थी ठीक है बहुत बढ़िया, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। चलो बहुत बहुत बढ़िया, एक नंबर आंसर है, वेरी वेरी गुड, एक विप्रणव इज द राइट आंसर, अरे खींच गए शाबाश, इधर लिख देता हूं 75वां कौन सा था, वी प्रणव हो जाता है, वी प्रणव ठीक है याद रखोगे वी प्रणव, और ध्यान रखोगे वी प्रणव ये हो गए। अगर आपसे पूछा जाए प्रणव आनंद के बारे में पूछा जाए तो वो कौन से थे, ध्यान रखोगे वो 76वें हो जाते हैं ठीक है।
राहुल श्रीवास्तव के बारे में पूछा जाए, वो आपके कौन से हो जाता है? श्रीवास्तव, ये हो जाते हैं 74वें हो जाते हैं, है ना। भरत सुब्रमण्यम के बारे में पूछा जाए, सुब्रमण्यम, ये चीज आप ध्यान रखना, मनियम, ठीक है, मरियम के बारे में पूछा जाए तो ये 73 हो जाते हैं। 73वां पूछा जाए भरत सुब्रमण्यम, 74वां राहुल श्रीवास्तव, 75वें वी प्रणव, और प्रणव आनंद के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखोगे ये हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है, ये सारे के सारे 76 तक याद रख लेना। चलो नेक्स्ट पर आता है, पहले विश्वनाथ आनंद थे पहले, ठीक है। चलिए क्या कहता है भाई, कौन व्यक्ति हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगेगा, इसको आपके सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट डालना, ठीक है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए चेयरमैन जरा बताओ, रहमान या फिर अब्दुल्ला कुट्टी या फिर आदिल मलनस या फिर मोहम्मद, जरा बताना इसमें से क्या लगेगा एक राइट आंसर, वो कौन है? ए पी अब्दुल्ला कुट्टी इज द राइट आंसर, वो हज कमेटी ऑफ द इंडिया के चेयरमैन बने हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं किस फिल्म ने सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हुए हैं, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जो जीते हुए हैं वो किसने, वो टाइटैनिक मूवी ने जीते हुए हैं 1997 की, याद रखोगे ये मूवी हो जाती है, इसने इनको सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोलेगा भाई, बोला है विलो वृक्ष की छाल किस दवा का सोर्स है, जरा बताना क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ये जो बोला इसने कि विलो वृक्ष की छाल किस दवा का सोर्स लगती है, पैरासिटामोल का, एस्पिरिन का, या फिर एंटासिड का, या फिर एंटीसेप्टिक का, बुखार और सरदर्द को दूर करती है वो दवा, अब जरा बताओ कौन सी है, बुखार प्लस सरदर्द को दूर करेगी, ये चीज आप ध्यान रखना, तो वो कौन सी है जरा बताइए इसमें से। बहुत बढ़िया, एक जगह कैसे हो सर, बढ़िया है भैया, ठीक है, बस जी रहे हैं भैया, ठीक है, आरोग्य इज राइट आंसर, ओके। चलिए दीजिए इसमें से कौन सा और बच्चा लगाएगा, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, कई सारे लोगों का ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने ठीक आंसर दिया यहाँ पर। एक बच्चा कह रहा है ए इज राइट, बी वाला आया यूपी यूपीएससी लवर आई थिंक, कोई बच्चा आया बी वाला एस्पिरिन, ए वाले गलत है, बी वाला ठीक है, एस्पिरिन इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो क्या होता है, विलो वृक्ष की जो छाल होती है, ठीक है, उससे एस्पिरिन बनाई जाती है, ठीक, और एस्पिरिन आपके बुखार और सरदर्द को दूर करती है। ये विलो वृक्ष आपको ज्यादातर कहां मिलेगा, ज्यादातर जो मिलता है वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये चीज ध्यान रखोगे, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कहां है, नीचे की तरफ है, याद रखना, 0 डिग्री के नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पे, ओके, ऑस्ट्रेलिया में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है भाई, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखो भाई आर्टिकल 108 के थ्रू, ये चीज ध्यान रखोगे, आर्टिकल 108 के थ्रू, है ना, संसद में संयुक्त बैठक का क्या है, प्रावधान है। अब वो संयुक्त बैठक किसकी होती है भाई, लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की। अब दोनों बिल पर, दोनों में मतभेद है, मान के चलो कोई बिल है ना, कोई बिल पर दोनों में मतभेद हो रहा है, कानून नहीं बन पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो राष्ट्रपति क्या काम करता है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है किसको, ध्यान रखोगे, प्रेसिडेंट बुलाता है, बी इज द राइट आंसर, लोकसभा एंड राज्यसभा को, ठीक है। अच्छा इसकी अध्यक्ष तो कौन कर सकता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है, समझ गए आप लोग। अब देखो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता तो कर रहा है, मान के चलो ये नहीं आया तो कौन करेगा, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जो उपाध्यक्ष है वो करेगा, ठीक है। अब मान के चलो वो भी नहीं आया तो राज्यसभा से कौन करेगा, आंसर करो कमेंट में तुम सारे बच्चे, ठीक है। मान के चलो भाई लोकसभा का ना तो स्पीकर है मौजूद, ना ही इसका उपाध्यक्ष है मौजूद, अब राज्यसभा से कौन उसकी अध्यक्षता करेगा उस सेशन की, जो वो जॉइंट मीटिंग चल रही है, याद रखोगे, जिसको जॉइंट मीटिंग सेशन बोल देते हैं, जॉइंट सिटिंग बोल देते हैं, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, अब कौन करेगा राज्यसभा से। एक बच्चा बोल रहा है जी सर वाइस स्पीकर, वाह, एक वाइस प्रेसिडेंट, गलत, तानिया सिंह, देखो वाइस प्रेसिडेंट क्यों करेगा,
वो कभी नहीं करेगा क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति है, ये चीज ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, वो नहीं करता कभी भी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो फिर कौन करेगा भाई? जो उपसभापति होता है, ध्यान रखोगे, उपसभापति यानी कि जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष है वो करेगा, ये कभी नहीं करता क्योंकि ये उपराष्ट्रपति भी होता है। ओके, क्लियर हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति भी होता है और ये तो राज्यसभा का वैसे भी सदस्य नहीं होता, है ना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है फिर भी अध्यक्ष है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। ये तीन करेंगे, ये और ये, बट ये कभी नहीं करता। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? अभी मनाया गया है 10 से 12 तक, 3 दिनों का ये फेस्टिवल है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? असम, मेघालय, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल? किस राज्य में बनाया गया? फटाफट दो आंसर इसमें से। बुलाता राष्ट्रपति है, यस बुलाता है, ठीक है, जरा दीजिए एक राइट आंसर, कौन बच्चा लगाएगा, गलत नहीं करना। चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, दीजिए इसमें से क्या है एक राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मेघालय इज द राइट आंसर, सीमा कुमारी, बहुत अच्छा आंसर है, मेघालय इज द राइट आंसर, यस। देखो आप मेघालय को जानते हो भाई, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना, यहाँ पर पड़ता है मेघालय, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, बिल्कुल सीक्वेंस में पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो खासी जयंतिया, जनजातियां भी वैसी है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेघालय में अभी 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में वांगला फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। अच्छा, जब ये फेस्टिवल मनाया गया तो क्यों? फसल के बाद का उत्सव है, ध्यान रखोगे, फसल के बाद का, ध्यान रखोगे, फसल के बाद का उत्सव है ये, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके डन, फसल के बाद का उत्सव है। दूसरी बात, इसको पेपर में एक और नाम से आता है, 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, समझ गए आप लोग, इस नाम से भी पूछ सकता है इसको, क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात कौन सी होती है, कौन सी जनजाति इसको मनाती है? गारो जनजाति मनाती है, ठीक है, गारो जनजाति इस फेस्टिवल को मनाती है और ढोल बजाए जाते हैं इसमें, और जो भैंस का सींग होता है उसकी बांसुरी बना के बजाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, भैंस के सींग की बांसुरी, समझ गए आप लोग, बांसुरी बजा के बजाते हैं, सोचो कितनी सारी इसमें दिक्कत होती है ना। तो गारो जैन, ध्यान रखोगे, गारो जनजाति इसको बनाती है, ढोल बजाती है, भैंस का सींग बना के, बांसुरी बना के इसको सेलिब्रेट करती है, फसल के बाद मनाया जाता है, 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं, मेघालय के अंदर मनाया जाता है, काम खत्म। बीडी मिश्रा कौन है वहां के? राज्यपाल है, ये याद रखोगे, बीडी मिश्रा वहां के राज्यपाल है मेघालय के। इनसे पहले कौन थे, ठीक है, जरा बताओ, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य के भीतर चर्च बनाने की अनुमति दे दी कि जाओ बना लो चर्च, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पुर्तगालियों के संबंध हमेशा से विजयनगर साम्राज्य से अच्छे रहे थे, ये ध्यान रखना। वेंकट सेकंड या फिर अशोक राय या फिर तिरुमल या फिर कृष्णदेव राय, और तुम्हारा आंसर एक ही होगा मुझे पता है, ठीक है। हाँ मुझे पता था हर्ष पांडे, तुम वही जाओगे घूम फिर के, ठीक है, जरा दीजिए, मुझे पता था, ठीक है। चलो दो इसमें से क्या लगाओगे, अभी भी कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, गलत ना कर देना, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। चलो दीजिए इसमें से क्या है, अभी भी कई सारे लोग ए वाले ठीक है, ए वाले कुछ हद तक ए वाले ठीक जा रहे हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ए वाले, ध्यान से सुनना एक चीज, ए वाले बिल्कुल ठीक आंसर है, यही है वेंकट सेकंड, क्या था कैसे था देखते हैं। देखो 3 वंश पहले लिख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? 4, और 4 ही राजधानी थी वहां की, 4 राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें से पहला वंश कौन सा था? संगम वंश, हरिहर बुक्का ने नींव डाली थी ना, वो संगम वंश से ही थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। फिर सालुक वंश आता है, सालुक ये भी वंश था वहां पे, फिर तुलुब वंश आता है, तुलुब है ना, और फिर तुलुब वंश से कौन थे? विजय, ये कृष्णदेव राय थे। अब ये तीनों वंश में जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई इस तीसरे वंश से,
तो अब उनका सौतेला भाई बैठा गद्दी पे अच्युतदेव राय, ये चीज आप याद रखोगे, कौन? अच्युतदेव राय बैठा था, ठीक है, अच्युतदेव राय बैठता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, अच्युतदेव राय ये गद्दी पे बैठा, ये था एवई, ठीक है, ध्यान रखोगे ये एवई था, ये मान लो। इसके बाद आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम पे यहां पे एक राम राय करके, ठीक है, एक सेनापति था, उसके हाथ में यह सारी चीजें आ गई थी, आगे राम राय। तो राम राय पता है क्या करता था, ध्यान से सुनना, राम राय क्या करता था कि यहां पर यह विजयनगर साम्राज्य, इसके आसपास मुस्लिम साम्राज्य बसे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ये पांच साम्राज्य मुस्लिमों के बसे हुए हैं इसके आसपास। ये राम राय क्या करता था, इनमें फूट डालता था। एक दिन उनको पता लग गई कि ये हमें फूट डालता है, समझ गए, अब उनके हत्ते कौन चढ़ेगा, विजयनगर साम्राज्य पूरा, वो पांचों एक हो गए, लेकिन बरार उनमें से निकल गया। बरार कहता है जी मैं नहीं लड़ूंगा, बाकी तुम चार एक हो जाओ और मारो विजयनगर साम्राज्य को जितना मारा जाता है। बरार निकल गया, ध्यान रखना, और फिर होता है, ध्यान रखोगे, तांगड़ी का युद्ध, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। पेपर में तांगड़ी का युद्ध भी आ सकता है, तालीकोटा का भी युद्ध आ जाता है, 1565 में सबसे बड़ा युद्ध था ये दक्षिण भारत का, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखोगे, तालीकोटा का युद्ध या तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ और विजयनगर साम्राज्य खत्म, दी एंड, ठीक है, ध्यान रखोगे, पूरा विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर दिया था इन चारों मुस्लिम एरिया ने मिलके, और बरार इसमें शामिल नहीं था, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये चार थे, समझ गए। फिर उसके बाद एक आखिरी वंश बचता है विजयनगर साम्राज्य का, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य का, उसका नाम था अराबिडु, लास्ट वंश, चौथा वंश था वो। उस अराबिडु की, ध्यान रखोगे, तिरुमल ने स्थापना करी थी, तिरुमल ने, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, तिरुमल ने स्थापना करी थी। तिरुमल के बाद आते हैं वेंकट सेकंड, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कौन आए, वेंकट सेकंड आए थे। इन्हीं वेंकट सेकंड ने पुर्तगालियों को क्या दी थी, चर्च बनाने की अनुमति दी थी, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये ऐसे चारों वंश हैं, अगर आपके पेपर में आए तो बता देना। चलिए दीजिए इसमें से अब क्या लगाओगे, एक राइट आंसर अगला कौन देगा इसमें से, वेंकट तृतीय, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो अराबिडु लास्ट था, बिल्कुल एंड का। कहता है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया, जरा बताओ। वो जो राम राय था ना, बहुत कवाड़ा आदमी था, उसकी वजह से सारा सत्यानाश हो गया, है ना, राम राय वो मंत्री भी था इनका और सेनापति भी था, ये चीज आप ध्यान रखना, वो मंत्री भी था, सेनापति भी, सॉरी। चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास कहां आयोजित होगा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लास्ट टाइम तो भाई ये अमेरिका में हुआ है, अलास्का में, एक बच्चा कह रहा है उत्तराखंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो उत्तराखंड इज द राइट आंसर, सब बच्चों का ठीक आंसर, ये उत्तराखंड के अंदर ही होगा, डी इज द राइट आंसर, लास्ट टाइम अमेरिका के अलास्का में हुआ था, ध्यान रखोगे, क्लियर है। चलिए वज्र प्रहार, ये भी भारत और अमेरिका के बीच ही होता है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट बोलता है लोक नृत्य ला हरोबा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, जरा बताइए भाई, ला हरोबा कहाँ का है, ठीक है, अब ये तुमने कर भी रखा है और इसके आने के चांसेस भी है एसएससी में, ध्यान रखना, और इसको कौन सी जनजाति मनाती है ये भी आपको पता है, ठीक है, जरा बताइए, अपने पूर्वजों की याद में ये नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कौन सी जनजाति, मैताई जनजाति, याद रखोगे, कौन सी जनजाति है, मैताई जनजाति है, ये मैताई जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की याद में ये डांस करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, पूर्वजों की याद में, और ये कहां के हैं, मणिपुर इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा, मणिपुर इज द राइट आंसर, सब बच्चों का ठीक, एक रहा मिजोरम, नहीं नहीं ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। नेक्स्ट तमिल की आधिकारिक भाषा क्या है, इसको दीजिए इसमें से कौन बच्चा लगाएगा भाई, तमिल की आधिकारिक तमिल किसकी आधिकारिक भाषा है, देखो ध्यान से देखना, ये तो सारे केंद्र शासित प्रदेश है, दे लो इतने तुम, ठीक है, गुजरात में गुजराती चलती है, ठीक है, गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है ना, मराठी चलती है, और गोवा में कोंकणी चलती है, कोंकणी है ना, कोंकणी गोवा के अंदर चलती है, और कर्नाटक में अगर आपसे पूछे कन्नड़ चलती है, कन्नड़, केरल में मलयालम चलती है, मलयालम, ठीक है, और तमिलनाडु में
तमिल चलती है, तमिल ओके, और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु चलती है, तेलुगु ठीक है, और उड़ीसा में उड़िया चलती है, उड़िया ये ध्यान रखोगे उड़िया। अब जरा बताओ इसमें से तुमने क्या आंसर लगाया भाई, इतना गलत कैसे दे सकते हो तुम, ठीक है क्यों? अब आप जरा मैप पे देखो, मैप पे से तुम इस आंसर को दे दोगे। कहता है कि तमिल किसकी आधिकारिक भाषा है, तमिल किसकी है भाई, ओनली देखो इधर, यहां पर क्या है, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में ही यहां पे क्या पड़ता है, पौंडीचेरी, तो तमिल उसकी हुई खत्म, ठीक है ध्यान रखोगे पौंडीचेरी इज द राइट आंसर। अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी, बोले ओहो एकदम भूमंडल तारामंडल तुम्हारे सब खुल गए होंगे है ना, ये तो गलत हो गया, ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन खा गए तुम। तीन तरफ से यहां पर पुडुचेरी गिरा नहीं हुआ क्या, आप सोचो पुडुचेरी जो यहाँ पे है खुद एक, पुडुचेरी के चार जिले हैं, खुद जो ऑफिशियल जिला है वो तमिलनाडु में, ठीक है फिर उसका दूसरा कराईकल वो भी तमिलनाडु में, फिर माहे केरल की तरफ है, फिर यरम यरम आंध्र प्रदेश की तरफ है ना, चारों अलग अलग है। अब आप सोचो, अब यहां से आप देख लो भाई, दादरा और नगर हवेली, दादरा नगर हवेली की मराठी होगी क्योंकि वो यहां पे पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, दादरा और नगर हवेली गुजरात और इसके बॉर्डर पर है, तो इसकी भाषा क्या है, मराठी है। आप बोलोगे सर फिर दमन दीव, तो दीव यहां है दमन यहां है, तो ये भैया गुजराती चलती है दमन दीव में है ना, ये गुजराती चलती है यहां पर, गुजराती है ना, ये ध्यान रखोगे मराठी, और उधर क्या है तमिल। अब तो समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैप से हो जाते हैं ये सब। चित्तौड़गढ़ किला में स्थित है राजस्थान या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। अब इसमें अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बट सीधा सीधा अगर मोटे मोटे दिमाग से सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जरा बताओ चित्तौड़गढ़ किला में स्थित है राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। अनीश यादव ने तो सब कुछ ही लिख दिया, खत्म ही कर दिया, जड़ से ही खत्म कर दी सब चीज। चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, चित्तौड़गढ़ बताओ इसमें से क्या लगेगा एक राइट आंसर, कह रहा राजस्थान। यस अगर तुम इसमें ज्यादा दिमाग लगाते ना तो ऑब्वियसली तुम इसमें गलत हो जाते, ठीक है तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, कभी ये मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, मेवाड़ की राजधानी, ठीक है ध्यान रखोगे, ठीक है क्लियर हो जाएगा मेवाड़ की ये चीज ध्यान रखना, चित्तौड़ किला मेवाड़ जिले की क्या था, राजधानी था ये, ठीक है ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। यूनेस्को में शामिल है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, यूनेस्को में शामिल है ये, समझ गए इतनी बात, यूनेस्को में भी ये शामिल है, ये भी चीज आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बस चित्तौड़गढ़ की लड़ाई कब हुई थी, 1303, कौन खिलजी, किसको जीत लाया था खिलजी, ध्यान रखोगे। तुम्हें एक चीज बताऊं, ठीक है हमारे यहाँ बदले बहुत लिए गए हैं लेकिन उन बदलों को ढंग में हिस्ट्री में लिखा नहीं गया। देखो ध्यान रखना 1303 में यहाँ पे खिलजी आक्रमण करने गया था, आप लोगों को पता है रानी पद्मनी के लिए गया था वो, है ना रानी पद्मनी के लिए गया था, ये चीज आप ध्यान रखना रानी पद्मनी के लिए गया। अब पद्मावत जो माँ पद्मावत थी वो उनके लिए गया, लेकिन उन्होंने तो जौहर कर लिया था, तो राणा रतन सिंह से इनका युद्ध हुआ था, ठीक है राणा रतन सिंह से इनका युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह की इसमें हार हो जाती है तो खिलजी जीत जाता है, तो यहां से वो अष्ट धातु के किवाड़ ले आया था, ठीक है अष्ट धातु ये चीज आप ध्यान रखोगे के गेट ले आया था उखाड़ के, आठ धातुओं के बने हुए गेट थे और लाके दिल्ली में लगा दिए उसने, ये चीज ध्यान रखोगे कहां लगा दिए गए, दिल्ली में लाके लगा दिए गए थे, समझ गए आप लोग दिल्ली में लाके। अब दिल्ली में उसने वो लगा दिए, इन गेट को कौन उखाड़ के ले गया था, ठीक है जाट उखाड़ कर ले गए थे, समझ गए आप लोग, ये आए और दिल्ली से इसको उखाड़ के ले गए और भरतपुर के किले में आज वो लगे हुए हैं, अपनी रियासत में जाकर लगा लिए, ठीक है। अब आप जरा सोचो बदले हमेशा लिए गए लेकिन उनको इतिहास में वो जगह नहीं दी गई, ठीक है जैसे आज हम बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ रहे थे, उनको भगवान बोलते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा और झारखंड के लोग, बिरसा मुंडा ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी सोचो अंग्रेजों के खिलाफ, है ना और फिर उनकी एंड में डेथ भी हो गई, तो हम उनके कहां पढ़ते हैं हिस्ट्री में 2021 से, तो ध्यान रखोगे जनजातीय दिवस मना रहे हैं हम 2021 से, तो है ना ये आप जानते हो बिरसा मुंडा के लिए,
चलिए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर असम, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वोलोंग मेले का आयोजन किया गया? तो देखो 1962 में क्या हुआ था, चीनी सैनिकों ने, ठीक है, चीनी के सैनिकों ने अरुणाचल की तरफ क्या कर लिया, अरुणाचल की तरफ कब्जा कर लिया था, ध्यान रखोगे कब्जा कर लिया। तो 10 नवंबर को वहां पर उसी चीज को दिखाने के लिए कि देखो हमने यहां से भगा दिया था चीनी सैनिकों को, तो वोलोंग मेले का आयोजन किया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वोलोंग मेले का आयोजन कहां, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, 10 नवंबर 2022 को मनाया गया, ये चीज ध्यान रखोगे। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेश के वंशज क्या कहलाते हैं? देखो हम श्रीलंका को जानते हैं भाई, है ना, हम श्रीलंका को जानते हैं अच्छे खासे, ठीक है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज, देखो भाई श्रीलंका आप जानते हो इसका नाम लंका कब पड़ा, पहले तो सीलोन बोलते थे हम इसको, लंका पड़ा 1972 में, फिर 1978 में श्री नाम कर दिया इसके नाम के पहले और नाम हो गया श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और श्रीलंका में कौन, बर्गर, ये चीज ध्यान रखोगे। डच और पुर्तगालियों उपनिवेश के वंशज क्या कहलाते हैं, यहां पर ध्यान रखोगे वर्गर बोलते हैं, वर्गर समुदाय है, यहां पर अलग समुदाय मिलेगा वर्गर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है ना। ओ भाई ये नहीं है, रेखा कुमारी मैडम गलत हो जाएगा, सिंगलीज नहीं, सिंगली बौद्ध अलग है, ठीक है, सिंगली बौद्ध अलग है, ये ध्यान रखें, सिंगली बौद्ध लोग अलग रहते हैं, ठीक है, इसको पूर्व का मोती बोल देते हैं, पिद्रू तालागाला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कैपरा हिरकस का वैज्ञानिक नाम क्या है, जरा बताओ भाई, कैपरा हिरकस आपको भेड़ लगती है, गाय लगती है, बकरी लगती है, घोड़ा लगता है, कौन है, ठीक है, एक बर्गर खाने बर्गर खाने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए दीजिए, और कल को टाइम से जुड़ जाना क्लास में, क्योंकि कल को फिर 9 बजे होगी, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताओ इसमें से क्या है, कैपरा हिरकस को क्या लगाओगे एक राइट आंसर। कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, अभी भी कई सारे लोगों का गलत ही आ रहा है, दीजिए इसमें से, एक बच्चा कह रहा है बकरी, हाय पालतू बकरी, एक लैम्ब इज राइट आंसर, भेड़ बकरी होती है, गॉट, ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसी का है, गलत, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, गॉट बकरी, कैपरा हिरकस, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ देती है ना, अगर आपसे पूछा जाने लगे तो सबसे ज्यादा मेरिनो टाइप की, ध्यान रखोगे मेरिनो टाइप की भेड़ होती है ये, सबसे ज्यादा ऊन देती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मेरिनो भेड़। और कैपरा हिरकस किसका हो जाएगा, ध्यान रखोगे बकरी का हो जाएगा, गोट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बोलता है श्रम की मांग के समान होती है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, श्रम की मांग किसके, सीमांत राजस्व उत्पाद के, सीमांत भौतिक उत्पाद के, या फिर आपको लगता है सीमांत लागत, या फिर मजदूरी, श्रम की मांग के समान होती है। भाई देखो कोई कंपनी है और ये एम्प्लॉयज है, अब वो बढ़िया प्रॉफिट में चल रही है ना, ध्यान रखोगे वो क्या है, प्रॉफिट में चल रही है अपना बढ़िया, तो वो इनकी भी हायरिंग कर लेती है ना भाई, यहां पर बहुत सारे जनसंख्या को भी वो ले लेगी, मजदूरों को भी वो ले लेगी, और जब तक वो प्रॉफिट में चल रही है तब तक ही वो हायर करती है बाकी मजदूरों को, जब उसे लगेगा कि वो घाटे की तरफ जाएगी तो वो बिल्कुल भी हायरिंग नहीं करेगी। इसी चीज को क्या कहते हैं, जब वो प्रॉफिट में है और वो भर्ती कर रही है, इसी चीज को वो क्या बोलते हैं, सीमांत राजस्व उत्पाद बोलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, श्रम की मांग इसके समान होती है, क्लियर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, क्या लगाओगे, बोलता है हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, हर गांव में एक लाइब्रेरी, है ना, कौन पुस्तकालय वाला भारत के, ध्यान रखोगे पहला जिला बन गया है, कोटा, जामताड़ा या फिर सीकर या फिर कानपुर, तो ये जामताड़ा देख रहे हो झारखंड का, यही है जो पुस्तकालय वाला, ध्यान रखोगे पुस्तकालय भारत का पहला जिला बन गया है जहां हर गांव में ओपन लाइब्रेरी है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। झारखंड 2000 में बना था, किससे हटकर, बिहार से हटकर बना था, ये चीज ध्यान रखना, और झारखंड ध्यान रखना यहां पर क्या है, अगर आपसे पूछे छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, RHR, रांची, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियां यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है,
यहां की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, पेपर में पूछी जाती है। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1902 में, 1912 में, 1922 में या फिर 1932 में? चोरा चोरी की जो घटना है वो हुई थी, जरा बताओ इसमें से कब। देखो भाई आपको पता है असहयोग आंदोलन चल रहा था, है ना, असहयोग आंदोलन, ये आप जानते हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से चालू हो जाता है ना, और कब तक गया, 1922 तक। तो ये जो चोरा चोरी की घटना है, अगर आपसे पूछे 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाती है। 1922 इज द राइट आंसर। कई बुक में आपको 4 फरवरी भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। यहां पर भड़की हुई जनता ने, ठीक है, थाने में आग लगा दी थी, तभी इसके बाद ही गांधी जी ने क्या काम करा कि भाई पूरा देश आपकी चपेट में ना आ जाए, उन्होंने असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया। दिमाग, ठीक है, इसको दिमाग बोलते हैं, गांधी जी बहुत दिमागदार आदमी थे, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा बिल पेश किया जा सकता है? तो देखो भाई, भारत में ध्यान रखोगे, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा बिल पेश किया जा सकता है? क्या आप देखो यहां पर मुद्रा बिल है, सामान्य विधेयक, दोनों, या फिर कोई विकल्प नहीं, सही नहीं है भाई, इसमें से सिर्फ एक यही है, मनी बिल, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। जो मनी बिल है ना वो बगैर राष्ट्रपति की सिफारिश के, इसको ध्यान रखोगे, उसकी पूर्व सिफारिश के बिना ही पेश हो जाता है, और ये आर्टिकल 110 के थ्रू है, समझ गए आप लोग, मनी बिल इज द राइट आंसर। यहाँ पर आर्टिकल 110 के थ्रू इसे पेश कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड पावर लोकसभा के पास है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, लोकसभा के पास इससे रिलेटेड पावर इसमें देखने को मिलेगी, है ना, लोकसभा। भाई राज्यसभा के पास तो सिर्फ 14 दिन तक पावर है, या तो 14 दिन में इसको पास कर दे या खुद ही पास मान लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखोगे, या एक और ऑप्शन है इसको वापस कर दे जी इसमें ये संशोधन कर लो, लेकिन जब दोबारा आएगा फिर वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, फिर उसको वो हाँ या ना करके पास करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो लोकसभा के पास के लिए पावर होती है, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्यसभा में, राज्यसभा की किसके पास पावर है? अखिल भारतीय सेवाएं होती है, 312 आर्टिकल, ध्यान रखोगे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ध्यान रखोगे, कोई भी सेवा को अखिल भारतीय लेवल का बनाना, ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ऐसे ये इसमें राज्यसभा के पास पावर होती है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, जिसने हरियाणा का नाम चमकाया है, समझ गए, क्लियर हो जाएगा, जिसने हरियाणा का नाम चमकाया है महिलाओं ने, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, हरियाणा के अंदर ये घोषणा हुई है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था, ये बात आप ध्यान रखना, पंजाब से अलग होकर बना था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बताओ हरियाणा में 22 जिले हैं या 23 जिले हैं, कितने जिले हैं अगर आप बता सकते हो तो, ठीक है, हरियाणा के अंदर ये चीज आप ध्यान रखना, हरियाणा के 14 जिले किसमें आते हैं? एनसीआर में आते हैं, ध्यान रखना, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से कवर करता है, ठीक है, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से कवर करता है। और क्या बोला, किसका विज्ञान सेस्मोग्राफी कहलाता है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, सेस्मोग्राफी किसका विज्ञान, अरे भैया जिंदगी जिंदगी चौड़ी हो गई है, ठीक है, चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, किसका विज्ञान सेस्मोग्राफी कहलाता है, कौन बच्चा बताएगा कि सेस्मोग्राफी क्या कहलाती है? सेस्मोग्राफी क्या बोली जाती है, जरा बताइए, ओ भैया, ठीक है, जरा बताओ। बहुत अच्छा, एक बच्चा कह रहा है डी भूकंप, अभी भी आया था दिल्ली में, आते रहते हैं बहुत बुरे बुरे भूकंप, ठीक है, वेरी वेरी गुड। सेस्मोग्राफी क्या है, ध्यान रखोगे, वो भूकंप से रिलेटेड है, उसी का विज्ञान, उसी का परीक्षण निरीक्षण करना, ध्यान रखोगे भूकंप का, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लगेगा भैया, तुम चेंज क्यों नहीं हो रहे हो? चल, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? ठीक है, पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया, ठीक है, कौन सा गांव बना है हाल ही में? तो पल्ली जम्मू एंड कश्मीर का, ये चीज ध्यान रखोगे, कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है वहां पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, यानी कि प्रदूषण नाम मात्र का वहां है नहीं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, प्रदूषण वहां नाम मात्र का है नहीं, वो है पल्ली जम्मू एंड कश्मीर में, पहाड़ियों के अंदर वैसे भी प्रदूषण बहुत कम होता है, रेयर। अब ये मुझे तुम घर से बता दोगे,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है? ठीक है, 5 बजे एग्जामपुर पर मिलूंगा मैं आपको, 5 PM पर, ठीक है, 5 PM एग्जामपुर, और फिर मैं आपको मिलूंगा यहीं 9 PM पर कल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय, अपना पढ़ते रहो, अगर कोई बात है अपनी तो मुझे बता दे, ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक कल के लिए तुम्हारे जो एग्जाम बच्चों के लिए। और एक और चीज, जो CGL वाले बच्चे हैं, अगर अब रिवीजन करना चाहते हैं, 16 हो गई है, आप लोगों को पता है 16 हो गई है, ठीक है, 17 हो गई है भैया, ठीक है, उसमें तो 17 आ रही है, ठीक है, 17 हो गई है, अरे भैया ठीक है, ये 13-14 दिन रह रहे हैं आपके पास, 13 दिन, अब 13 दिन में भैया 13 घंटे में से 12 घंटे क्लास है, अब 12 घंटे में जो हो सकता है इस टाइम वो करेंगे CGL के लिए, और फिर CHSL है ही, ठीक है, MTS वाले भी अपनी भूमिका बनानी शुरू कर दो, तुम्हारे लिए बहुत MTS का कंपटीशन तो ऐसे भगवान जैसे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का, ठीक है, चलो ओके बाय।